Hello friends, welcome to Kalsiya Estates. So today's presentation is Palm Spring at Joyville in Virar by Shapurji Palanji. So let's begin with the presentation. So dosto, ye project ka naam hai Palm Spring at Joyville Virar, developed by Shapurji Palanji. इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट का थीम ऐसा रखा हुआ है कि गोवा का थीम रखा हुआ है और इस पर नाम भी ऐसा दिया हुआ है कि लाइफ ऑफ गोवा और स्टाइल ऑफ मुंबई। तो गोवा इसके लिए बोला गया क्योंकि इसके आसपास में जितना भी आप देखोगे जो है कोकोनट ट्रीज है और उसके थोड़ा सा आप आगे जाते हो तो वहाँ पर सी है और दो तीन बीचेस है अच्छे, और दूसरी बात विरार का जो है वो सराउंडिंग आप देखोगे बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप गोवा में आ गए हो। तो विरार अपने आप में काफ़ी डेवलप्ड एरिया है और भी आगे इसका विरार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी डेवलप्ड हो रहा है। यहाँ पर हम लोग जब शाहपुर जी की बात करते हैं तो ये जो प्रोजेक्ट है जॉय विला है जो कि करीबन 7 एकड़ का प्लॉट है और इसमें टोटल 7 बिल्डिंग है जो कि 6th बिल्डिंग अभी लॉन्च किया है और 6th बिल्डिंग का जो नाम है इन्होंने पाम स्प्रिंग रखा हुआ है। अब पाम स्प्रिंग में जो है सिर्फ 1 BHK के फ्लैट्स है और बाकी जो उसके पहले जो लॉन्च हुआ था उसमें आपको 2 BHK और 3 BHK मिल जाएगा, पर क्योंकि ये लेटेस्ट अभी लॉन्च किया है पाम स्प्रिंग तो आज हम लोग ज़्यादा पाम स्प्रिंग के बारे में बात करेंगे और सारे प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा ब्रीफिंग में आपको पहले जो उनके पास जो अवेलेबल फ्लैट्स है 2 BHK और 3 BHK उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये टोटल लैंड पार्सल जो है करीबन 7.3 एकड़ का लैंड पार्सल है और ये बिल्डिंग का एलिवेशन है जिसमें ग्राउंड प्लस 3 लेवल का पोडियम पार्किंग दिया हुआ है और 20-story बिल्डिंग है, 20 habitual फ्लोर्स है क्योंकि शाहपुर जी पालन जी है तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि बिल्डिंग की क्वालिटी, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, अंदर का जो फिटिंग्स वगैरह जो भी होगा सारे ब्रांडेड क्वालिटी के फिटिंग्स होंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात इस प्रोजेक्ट के बारे में यह है कि बिसाइड द कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, क्योंकि शाहपुर जी है ब्रांडेड डेवलपर है, इनके सिर्फ कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट में नहीं, इनका टनल्स, ब्रिजेस, स्टेडियम्स बनाना और बहुत सारा कुछ जो है रियल एस्टेट को लेकर इनका काम चलता है। 150 ईयर्स पुरानी कंपनी है शाहपुर जी पालन जी और इन्होंने अभी अभी रियल एस्टेट में इन्होंने काफ़ी बहुत बड़े लेवल से ऑल ओवर इंडिया में काम शुरू किया है और विरार में शायद इनका पहला प्रोजेक्ट है, जॉय विलेज जो है पहला प्रोजेक्ट है और ये जो बिल्डिंग आज हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं वो पाम स्प्रिंग उसका नाम है। अब इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी यूएसपी, इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा यूएसपी ये है कि इस प्रोजेक्ट में 24/7 वाटर अवेलेबल है और दूसरा ये है कि हर एक फ्लैट के साथ कवर्ड पार्किंग दिया हुआ है, उसके अलावा गेस्ट पार्किंग भी दिया हुआ है और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो है वो MY1 टेक्नोलॉजी पे बना है, जो MY1 जो होता है वो पूरा बिल्डिंग जो होता है वो कॉन्क्रीट से बना होता है, साइड के दीवारें भी जो होती है वो कॉन्क्रीट से बनी होती है तो उसमें थिकनेस वॉल का कम रहता है, आपको ज़्यादा यूजेबल कारपेट मिलता है, एज पर रेरा कारपेट के हिसाब से आप देखोगे तो आपको ज़्यादा यूजेबल कारपेट भी मिलता है, वॉल की थिकनेस उसमें कम रहती है लेकिन वॉल ब्रिक्स से या कोई भी ब्लॉक से बनाया हुआ उससे ज़्यादा स्ट्रांग रहता है क्योंकि वो सारा वॉल्स भी साइड का अंदर का जो होता है किचन का साइड वॉल्स वगैरह जो भी वो सारा कंक्रीट का बना हुआ होता है तो इसके लिए हम लोग इसको MY1 कंस्ट्रक्शन बोलते हैं और MY1 में जो भी स्लैब जब चढ़ता है जो भी काम जब होता है तो वो काफ़ी स्पीड में, क्योंकि MY1 टेक्नोलॉजी ऐसी है सिंगापुर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, इसमें जब भी मिक्सचर वगैरह कोई भी दीवार के बीच में अगर डालते हैं तो ये 1 घंटे के अंदर ही मिक्सचर सूख भी जाता है तो उसके ऊपर आप दूसरा स्लैब इमीजिएटली चढ़ा सकते हैं। इस वजह से MY1 टेक्नोलॉजी जहाँ पर भी होता है उस पर जो पोजिशन जो है वो डेवलपर जल्दी दे सकता है MY1 टेक्नोलॉजी को लेकर। दूसरी बात, इसमें हर एक 2 फ्लैट के ऊपर रिफ्यूज फ्लोर दिया हुआ है और 40 से ज़्यादा इसमें एमिनिटीज़ दिया हुआ है तो बहुत सारा एमिनिटीज़ इस कॉम्प्लेक्स के अंदर दिया हुआ है। दूसरा, आप इस बिल्डिंग में आप देखेंगे इस जो बिल्डिंग का कलर कॉम्बिनेशन और जो लुक दिया हुआ है काफ़ी रॉयल रिच और लाइट और ब्राइट कलर का लुक दिया हुआ है, देखने से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये बिल्डिंग जो है ब्रांडेड डेवलपर की बिल्डिंग है। तो दोस्तों ये जो थीम है गोवा बेस्ड थीम है, इस वजह से आपको हर एक चीज़, हर एक कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर कुछ कुछ जगह पे आपको गोवा से मिलता हुआ कलर आपको नज़र आएगा, आपको दिखाई भी देगा प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी बड़ा एक मल्टीपर्पज़ कोर्ट रखा हुआ है जो आप बास्केटबॉल, फुटबॉल, लॉन्ग टेनिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो मल्टीपर्पज़ कोर्ट है।
तो दोस्तों जैसे मैंने बताया 7 एकर का लैंड पार्सल है, 1 और 2 BHK के फ्लैट्स है। पाम स्प्रिंग में सिर्फ 1 BHK के फ्लैट्स है, 2 BHK दूसरे बिल्डिंग्स में है और 25+ मतलब करीबन 40 एमिनिटीज तो अंदर दिया ही है और डेडिकेटेड गोवा थीम बेस्ड पर बना हुआ है। फिर यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारा प्लांटेशन दिया है, बिल्डिंग के एलिवेशन आप देखोगे काफ़ी रॉयल लुक है, स्विमिंग पूल आप देखोगे लार्ज साइज स्विमिंग पूल दिया हुआ है। यहाँ पर क्लब हाउस में आप देखोगे जो कलर कॉम्बिनेशन है ये अगेन गोवा थीम बेस्ड है, इसकी वजह से यहाँ पर जो क्लब में जो कलर कॉम्बिनेशन रखा हुआ है अलग अलग कलर्स के कॉम्बिनेशन दिए हुए ताकि आपको वहाँ का फील आवे ऐसे। सो एमिनिटीज़ में दोस्तों आप देखोगे यहाँ पर स्केटिंग रिंक है, किड्स प्ले एरिया है, जॉगिंग ट्रैक है, सीनियर लॉन्ज है, स्विमिंग पूल है, बैंक्वेट हॉल, स्विंग प्लाजा, इंडोर गेम्स, जिमनाजियम, हाफ बास्केटबॉल कोर्ट एंड मेनी मोर। सो जॉय विला जो है ये काफ़ी मतलब बहुत ही इसमें सोच समझ के प्लानिंग किया हुआ है, इसमें करीबन ओनली 30% जगह जो है कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया गया है और 70% जगह जो है वो ओपन रखा हुआ है इधर एमिनिटीज़ के लिए या तो गेस्ट पार्किंग के लिए, लेकिन बहुत सारा ओपन स्पेस इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको मिलेगा। और ये प्रोजेक्ट का नाम है जॉय विले विरार, जो कि डेवलपर है शाहपुर जी पालन जी एट विरार। तो विरार दोस्तों अपने आप में काफ़ी डेवलप हो चुका है और आगे और डेवलप हो रहा है। इसमें सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये हो रहा है कि कोस्टल रोड जो ऑल ओवर मुंबई से कनेक्ट हो रहा है, जैसे वर्ली सी लिंक है वो एक कोस्टल रोड है, वो तो एक पार्ट है, 1% ऑफ कोस्टल रोड है। तो ये कोस्टल रोड जो है आगे विरार तक जाएगा, ये मतलब करीबन समझ लो कुलावा से मरीन लाइन, मरीन लाइन से हजी अली, हजी अली से वर्ली, बैंड्रा, अंधेरी, बोरीवली, नाला सोपारा, वसई और विरार तक ये कोस्टल रोड कनेक्ट होने वाला है। एक तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट विरार को ये मिलता है और इस प्रोजेक्ट को भी मिलता है जो कि जॉय विले विरार में है। आप इन्वेस्टमेंट करते हो या तो एंड यूज़र के हिसाब से आप लेते हो तो भी इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा जो बुलेट ट्रेन जो शुरू हो रहा है बैंड्रा से अहमदाबाद, जो बुलेट ट्रेन का फर्स्ट स्टॉप है वो है थाने, थाने गोरबंदर रोड जो होगा वो फर्स्ट स्टॉप होगा टीकी जुनीवाड़ी के आसपास। उसके बाद सेकंड स्टॉप जो होगा वो होगा विरार, उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो जब बुलेट ट्रेन का सेकंड स्टॉप विरार होगा तो विरार की जो प्रॉपर्टी का रेट्स है वो आगे बढ़ने का चांसेस है। प्रपोज एक्सटेंशन हार्बर लाइन सर्विसेज है, जो कि अभी जो हार्बर लाइन है वो मेरे ख्याल से हार्डली अंधेरी या बोरीवली तक है, तो ये जो हार्बर लाइन का एक्सटेंशन है वो विरार तक उसको लेकर जाएंगे। फिर एक दूसरा प्रपोज वेस्टर्न रेलवे कॉरिडोर है फ्रॉम चर्चगेट टू विरार, जो कि ये फास्ट ट्रेन होगी फ्रॉम चर्चगेट टू विरार, जो कि हार्डली 45 मिनट्स में आपको विरार पहुँचा देगी, बिल्कुल ये सुपर फास्ट ट्रेन होगी। और दूसरा एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट विरार में ये हो रहा है कि विरार अलीबाग कॉरिडोर बन रहा है, जो कि दीवा, पनवेल, न्यू बॉम्बे ये सब होते हुए आगे अलीबाग तक जाएगा। तो ये कॉरिडोर काफ़ी बड़ा ब्रॉड रोड्स होगा, एक्सप्रेस हाईवे जैसा होगा ये, जो कि आप बाय रोड यहाँ से 126 किलोमीटर या 140 किलोमीटर का ड्राइव होगा तो 45 मिनट्स में आप विरार से अलीबाग या पनवेल या दीवा कहीं पर भी बीच में जाना है या अलीबाग तक पहुंचना है आपको तो 45 मिनट्स अलीबाग तक आप विरार से जा सकते हो। तो ये सारा डेवलपमेंट है जो विरार में हो रहा है, जिसका बेनिफिट इस प्रोजेक्ट को जॉय विले को भी मिलेगा और अभी जो पाम स्प्रिंग में लोग खरीद रहे हैं फ्लैट और पहले वाले बिल्डिंग में भी जो लोग फ्लैट खरीद रहे हैं या जिन्होंने ऑलरेडी खरीद चुके हैं उनको ये सारा बेनिफिट मिलने वाला है। फिर इसमें फुल्ली इक्विप्ड जिम दिया हुआ है, यहाँ पर आप जिम का भी आप थीम बेस्ड देखोगे, कलर कॉम्बिनेशन आप देखोगे तो दिस इज लाइक अ क्लब इन गोवा यू कैन से। तो दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है विरार वेस्ट में है और स्टेपन मैनेजर्स मार्ग में या तो ऑपोजिट टू बॉलेंज सोपारा रोड बोल सकते हैं या अदरवाइज ऑपोजिट टू क्राइस्ट द किंग चर्च में बोल सकते हैं, जो बॉलेंज एरिया में आता है और ये विरार वेस्ट में है। फर्दर आप देखोगे यहाँ पर इस प्रोजेक्ट से काफ़ी बड़े मॉल्स हैं, जो कि विजय सेल्स है, रिलायंस ट्रेंड्स है, वुडलैंड स्टोर है, विवा सुपरमार्केट है, ये सारे मॉल्स और रिटेल प्लाजा इस कॉम्प्लेक्स के नज़दीक है। रेलवे स्टेशन ऑफकोर्स विरार और नाला सोपारा है, मेट्रो ट्रेन इसके आसपास से बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप जैसे क्राइस्ट द किंग चर्च, बालाजी मंदिर, स्वयंभू महादेव मंदिर इसके नज़दीक है, विष्णु मंदिर इसके नज़दीक है। स्कूल्स और कॉलेजेस की बात करेंगे तो मैट्रिक्स एकेडमी, होली क्रॉस कॉन्वेंट स्कूल, मुलजी भाई मेहता इंटरनेशनल स्कूल एंड सेंट जोसेफ हाई स्कूल। कैफे एंड रेस्टोरेंट के बारे में बात करेंगे तो मॉन्जिनियस केक शॉप, मेरवान्स, वोक एक्सप्रेस एंड टिप्सी पांडा।
सर्विसेज में आप देखेंगे वन रेप मैक्स जिम इज देयर, मैग्नेस टीबीएस मोटर सर्विसेज देयर। एंड हॉस्पिटल्स के बारे में बात करेंगे तो सहयोग हॉस्पिटल, खराड़े हॉस्पिटल, विजय वल्लभ हॉस्पिटल, शुश्राशा हॉस्पिटल। लीजर्स और एंटरटेनमेंट के बारे में बात करेंगे तो याजू पार्क है, फन फिएस्टा मल्टीप्लेक्स है, राजौरी बीच एंड अरनाला बीच, तो ये दोनों फेमस बीचेस हैं इस एरिया में। बहुत सारे कोकोनट ट्रीज आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। जब आप अपने कॉम्प्लेक्स से, अपने बिल्डिंग से भी बाहर आप देखोगे तो आपको ग्रीनरीज जो नजर आएगी वो काफी बड़े बड़े कोकोनट ट्रीज होंगे सामने। और दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे ये 7 एकर का प्लॉट है जिसमें पाम स्प्रिंग जो है ये वाली बिल्डिंग अभी लॉन्च किया है इन्होंने, जिसमें सिर्फ 1 BHK के फ्लैट्स है। और उसके पहले इन्होंने जो लॉन्च किया था वो उस बिल्डिंग का नाम पाम ग्रोव है, और उसके बाजू में जो है यहाँ पर क्रिस्ट है, और इसके बाजू में सुमित है, फिर ये पिनाकल है, और पिनाकल के बाजू में ये आप देखेंगे यहाँ पर पाम मिडोस 1 है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 बिल्डिंग इन्होंने लॉन्च किया था। जो अभी ये जो लॉन्च किया ये पाम स्प्रिंग जो है ये 6 बिल्डिंग है, उसके बाद ये पाम मिडो 2 यहाँ पर ये 7 बिल्डिंग लॉन्च होने वाला है, उसके बाद ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो जाएगा। तो जो मास्टर लेआउट का प्लॉट का जो आप लुक देख रहे हो ये इस तरीके का लुक है, जहाँ पर चारों तरफ बिल्डिंग है और बिल्डिंग भी एक दूसरे से अलग अलग है ताकि क्रॉस वेंटिलेशन जो हो फ्लैट के अंदर वो काफी बढ़िया रहेगा। और सेंटर में यहाँ पर जो है ये सारा एमिनिटीज यहाँ पर सेंटर में दिया हुआ है। सो दोस्तों इस प्रोजेक्ट में अगर एमिनिटीज की अगर बात करते हो तो यहाँ पर इंटरनल ड्राइव वे है, जॉगिंग ट्रैक है, साइकिलिंग ट्रैक है, वॉकवे है, किड्स प्ले एरिया है, पवेलियन, स्विमिंग पूल, किड्स पूल, पूल डेक, फ्यूचर वॉल, हाफ बास्केटबॉल कोर्ट, जिम्नाजियम, बैंकेट हॉल, आइकॉनिक स्कल्पचर, लॉन माउंट्स, फ्लैग एरिया, स्टेपिंग क्रॉसओवर्स, फेस्टिवल कोर्ट, सीनियर जोन, आर्केज ओवर एमपी सिटिंग्स, थीम गार्डन, कॉन्ग्रीगेशनल स्पेस, बाउंड्री प्लांटेशन, गेटवे कम्युनिटी विद सिक्योरिटी, एवी रूम एंड गेजीबो। तो ये सारा कुछ दिया हुआ है एमिनिटीज में, और कुछ एमिनिटीज और भी दिया हुआ है जैसे क्रीची, वर्चुअल गेमिंग, चेस, कार्ड्स, गेम्स रूम, पूल गेम, टेनिस टेबल, बोर्ड गेम्स, फुटबॉल एंड स्टार गेजिंग डेक। तो ये सारा कुछ एमिनिटीज इस प्रोजेक्ट के अंदर दिया हुआ है। अब ये दोस्तों जो है ये फ्लोर प्लान है, 1 BHK का फ्लोर प्लान है, और 1 BHK में आप देखेंगे काफ़ी अच्छी तरह डिज़ाइन किया हुआ है। हॉल है, डाइनिंग लिविंग स्पेस है, ये डाइनिंग स्पेस है, उसके बाद काफ़ी लंबा किचन दिया हुआ है यहाँ पर, बेडरूम है, और वॉशरूम यहाँ पर इन्होंने एक रखा हुआ है जो कि वॉशरूम टॉयलेट दोनों अटैच्ड है, और एक ही रखा हुआ है पैसेज के ऊपर ताकि मैक्सिमम स्पेस आपको बेडरूम, किचन और लिविंग रूम में मिले। तो ये इसका जो कारपेट एरिया है वो 401 कारपेट एरिया है, और जो कि प्राइस है वो 38 लाख इंक्लूसिव ऑफ ऑल स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST वगैरह पकड़ के इसका जो प्राइस है वो 38 लाख रुपीज़ है। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान भी आप कर सकते हो, या तो अदरवाइज गोदरेज फाइनेंस स्कीम इसमें अवेलेबल है, जो कि आपको सिर्फ 10% पेमेंट भरना है, और पोजीशन तक आपको जो EMI भरना है वो सिर्फ 3,333 रुपया, मतलब 3,333 रुपया आपको EMI भरना है, 10% पेमेंट भरना है, 10% पेमेंट आपका आएगा कुछ 3,80,000 के, 3,80,000 से भी कम आएगा क्योंकि एग्रीमेंट वैल्यू उसका कम है। तो मैं आपको पूरा 38 जो है वो स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन पकड़ के बता रहा हूँ। तो मान लो इसके ऊपर आपको 3,60,000 का पेमेंट आएगा, उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का पेमेंट आएगा, तो आपका 5 लाख का सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। उसके बाद आपको हर महीने 3,333 रुपया टिल द डेट ऑफ पोजीशन। तो पोजीशन मान लो आज से 2 साल बाद पोजीशन है, तो पोजीशन तक आपको सिर्फ उतना ही भरना है, 3,333 रुपया भरना है, और जब पोजीशन होगा तो आपका उस वक्त एक्चुअल EMI शुरू होगा। तो आप अभी सोचेंगे कि ये जो दूसरा EMI कहाँ पर चला गया, जो आपने बड़ा लोन लिया है, 30 लाख का लोन लिया है या 32 लाख का लोन लिया है, आप सिर्फ 3,333 रुपया भर रहे हो, तो बाकी का EMI कहाँ पर गया? वो बाकी का EMI जो है वो लास्ट में प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर ऐड होगा और एक फ्रेश EMI आपका बनेगा। पर इसमें क्या आपको राहत मिल जाती है, आप 2 साल बाद आप चाहे तो उस लोन को आधा कर दो या पूरा निकाल दो। जितने भी आप इसमें फ्लोरिंग देखोगे, मेन डोर है, विंडोज है, इंटरनल पेंटिंग है, विट्रोफाइड फ्लोरिंग, वॉल, किचन, CP, सैनिटरी फिटिंग्स वगैरह जो भी है, सारे ब्रांडेड क्वालिटी के फिटिंग्स रहेंगे। आफ्टर ऑल डेवलपर इज शापुर जी पालन जी, प्रोजेक्ट इज जॉय विले एट विरार, एंड दिस बिल्डिंग इज पाम स्प्रिंग। पोजिशन दोस्तों इस बिल्डिंग का 2 साल के बाद है, और
इसमें जितने भी एमिनिटीज अभी आप देख रहे हो 25+ एमिनिटीज है जो कि फंक्शनल है। अभी अगर आप साइट पर जाओगे आप देखोगे कोई भी फ्लैट देखोगे 25+ एमिनिटीज एक्चुअल एमिनिटीज आपको देखने मिलेगा जो कि फंक्शनल है। अगर आप सुमित या क्रिस्ट में अगर आप फ्लैट चाहते हो जो कि इसके पहले जो बिल्डिंग जो लॉन्च हुआ था जिसका नाम सुमित और क्रिस्ट है उसमें अगर आप फ्लैट लेना चाहते हो तो 2 BHK 660 कारपेट होगा जो कि 53 लैक्स प्लस टैक्सेस होगा 61 लैक्स के आसपास जाएगा। और 2 BHK 760 कारपेट भी है जो कि 64 लैक्स प्लस टैक्सेस पकड़ेंगे तो 73 लैक्स के आसपास जाएगा। पाम ग्रो में सितंबर 2023 में पोजीशन है उसमें 1 BHK 439 कारपेट एरिया है जो कि कॉस्ट ऑल इंक्लूसिव 46 लाख तक है। फिर अगेन पाम स्प्रिंग सितंबर 2024 में पोजीशन है और कॉस्ट मैंने आपको बताया 38 लाख है इंक्लूडिंग ऑल। तो दोस्तों शाहपुर जी पालन जी के काफ़ी जॉय विले के नाम से काफ़ी प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो कि अलग अलग सिटीज़ में है। तो ये आप देखेंगे जॉय विले हावड़ा का है, ये जॉय विले विरार का है जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, फिर ये जॉय विले गुरुग्राम का है और ये जॉय विले हड़पसर है, फिर उसके आगे हिंजेवाड़ी है। तो ऐसे जॉय विले के बहुत सारे प्रोजेक्ट इनके अलग अलग सिटीज़ में है। प्लस शाहपुर जी पालन जी ने कमर्शल्स मेट्रोज कमर्शल मॉल्स स्टेडियम्स काफ़ी स्टेशंस टनल्स और बहुत सारे बड़ी बिल्डिंग जैसे ये इम्पीरियल काफ़ी साउथ मुंबई में काफ़ी लग्जरियस और बड़ी बिल्डिंग है ये। तो सिर्फ बिल्डिंग रियल एस्टेट में नहीं रियल एस्टेट के अलग सेक्टर्स में भी इन्होंने इनका काम है और इनका काफ़ी मतलब कॉन्ट्रैक्ट बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स चलते हैं। तो 150 ईयर्स पुरानी कंपनी है तो आप ब्लाइंडली इस प्रोजेक्ट के ऊपर ब्लाइंडली आप ट्रस्ट कर सकते हो। और दूसरा हर एक फ्लैट के साथ इसमें पार्किंग दिया हुआ है जो कि पोडियम पार्किंग रहेगा कवर्ड पार्किंग रहेगा। तो दोस्तों एक सैंपल फ्लैट का वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगा, वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। और दूसरा बुकिंग के लिए आप मुझे फ़ोन कीजिए 7400138561। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू दिस चैनल बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग एंड सी यू अगेन विद वन मोर डेवलपर वन मोर प्रोजेक्ट वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर।